Hello friends, welcome back. So today we are going to discuss some important static GK related questions based on Indian Armed Forces. जितने भी questions Indian Armed Forces से बन सकते हैं हम आज उनको cover करने की कोशिश करेंगे इस video में. तो हमारा first question है, Indian Armed Force is monitored by which ministry? तो इसका answer है first option, that is Ministry of Defence. और जो हमारे current defence minister हैं वो हैं श्री राजनाथ सिंह. एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कौन संभाल रहे हैं? श्री अमित शाह. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कौन संभाल रहे हैं अभी? वो है श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी. एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कम्स अंडर श्री रविशंकर प्रसाद. सो कम्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इज मॉनिटर्ड बाई विच मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सिर्फ आर्म पुलिस फोर्स देख के इसका आंसर भी फर्स्ट ऑप्शन लगा देते हैं, जो कि गलत है. ओके, यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे सेंट्रल गिवन है और जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उसने गिवन था इंडियन आर्म फोर्सेस, उसका आंसर था फर्स्ट ऑप्शन. बट यहाँ पे सेंट्रल है तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फोर्सेज आर देयर अंडर इंडियन आर्म फोर्सेज? तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फोर. जो यहाँ पे मैंने चार फोर्सेस बताई हैं इनमें से फर्स्ट थ्री फोर्सेस तो ऑलमोस्ट सबको पता होती है, लाइक इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी. और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और इसको बने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1977 में बनी थी और ये इन सब के इस्टेब्लिशिंग ईयर गिवन है. लाइक इंडियन आर्मी 1895 में बनी थी, इंडियन एयरफोर्स 1932 में, इंडियन नेवी 1950 में एंड इंडियन कोस्ट गार्ड 1977 में. और जो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड है इन दोनों के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, बट ये दोनों ही कोस्टल एरियाज़ पर वर्क करती हैं. और जो इंडियन नेवी है इसका क्या काम होता है? जो बाहर से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उससे हमारे इंडिया को, हमारे देश को प्रोटेक्ट करना. और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसका क्या काम होता है? लाइक जो भी हमारे कोस्टल एरियाज़ पर शिप आती हैं बाहर से, या उनको उनको उनका इंस्पेक्शन करना और पेट्रोलिंग करनी, और जहाँ कोई भी शिप को कोई और मदद की ज़रूरत होती है तो वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड ही रिलीव होती है. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया? तो आर्मी डे हमारे इंडिया में 15 जन को मनाया जाता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. और बाकी जो फोर्सेस के डेज होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर दिए हैं. लाइक एयरफोर्स डे कब आता है? 8 अक्टूबर को. नेवी डे होता है 4 दिसंबर को. इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है 1 फेब को. हु इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ जनरल. तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से करना. और जो अगर यहाँ पे पूछा गया होता चीफ ऑफ इंडियन नेवी तो इसका आंसर होता हमारा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज एडमायरल. और जो इनके चीफ हैं तो उनके मैंने नाम यहाँ पे दे रखे हैं. लाइक इंडियन आर्मी के जो हमारे चीफ हैं उनको जनरल बोलते हैं और उनका नाम है मनोज नरावने. और इंडियन नेवी के हैं करमबीर सिंह, और इंडियन एयरफोर्स के हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया. एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं कृष्णा स्वामी नटराजन. और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो चीफ होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल. ओके, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. और ये जिनके नाम है जो हमारे इंडियन चीफ्स के, ये तो 100% हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई चारों में से एक तो आ ही जाता है, तो इनको बड़े ध्यान से करना, कहीं नोट्स बना लेना. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज? तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ 3 ईयर्स, और 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर. जो भी इन दोनों में से पहले फुलफिल हो जाएगा वो ही माना जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन इज, हाउ मैनी फोर्सेज आर देयर अंडर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज? तो गाइज इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 7. तो इसमें भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल गिवन है. जो हमें लास्ट स्लाइड में किया था एक क्वेश्चन उसमें था इंडियन आर्म फोर्सेज और उसका ऑप्शन था 4. ओके, और ये 7 के 7 मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं और इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप रीड कर सकते हो. लाइक असम राइफल्स कब बनी थी? 1835 में. CRPF 1939, ITPP 1962, SSB 1963. और आप इनको देखना चाहते हो, इनके ईयर्स नोट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ ऑफ सेंट्रल आर्म्ड
पुलिस फोर्सेस डिपार्टमेंट, तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल। ओके, जो इन सभी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, असम राइफल, BASF, CISF, इन सब के जो चीफ होते हैं, तो उनको कलेक्टिवली हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। और जो हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन किया था, सॉरी, दैट इज़ इंडियन आर्म फोर्सेज, और उसके जो डायरेक्टर जनरल थे उसको हम क्या, जो चीफ थे जो भी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ जनरल। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान करना, मिक्स मत कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज CRPF, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इस्टेब्लिश, तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ 1939। ये एक तो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले इस्टेब्लिश हो गई थी, दैट इज़ 1939 में, क्योंकि हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था, और इसको इंडिया इंडियंस के द्वारा नहीं बनाया गया था, इसको बनाया गया था बाय ब्रिटिश। और इसका नाम पहले क्या था, CRP, और जो फोर्स कीवर्ड इसको दिया गया वो बाद में दिया गया, दैट इज़ इन 1949 में। तो इसके इस्टेब्लिशमेंट ये दो बनते हैं, दैट इज़ 1939 1949, बट आपको एग्ज़ाम में हमेशा सिर्फ एक ही ऑप्शन दी जाएगी, तो इन दोनों में से एक आप चूज़ कर सकते हो, मोस्टली आपको 1939 ही गिवन होता है। और जो हमारी CRPF है वो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को हैंडल करती है, और जो हमारी IAF है, दैट इज़ इंडियन आर्म फोर्सेज, वो क्या करती हैं, वो हमारे जो भी एक्सटर्नल इश्यूज़ होते हैं उनको टैकल करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया, तो गाइस इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ असम राइफल्स, इसको 1835 में बनाया गया था। तो इंडिया की ये क्या है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, और इसका लोगो ये है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आर्म्ड फोर्सेज के रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स में, वो कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।